चार साल पहले लापता हुई एक लड़की रीवा पुलिस ने खोजी। दूसरे की तलाश में टीम हुई रवाना। मऊगंज से गायब हुई थी लड़की, महिला आरोपी जेल के सलाखों के पीछे। चार साल पहले लापता हुई एक लड़की रीवा पुलिस ने खोजी। दूसरे की तलाश में टीम हुई रवाना। मऊगंज से गायब हुई थी लड़की, महिला आरोपी जेल की सलाखों के पीछे। चार साल से लापता दो लड़कियों में से एक को मऊगंज पुलिस ने खोज निकाला। दूसरे की तलाश में टीम राजस्थान पहुंची। रीवा में किशोरियों को अगवा कर दूसरे शहरों में सौदा करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एक लड़की मिली, दूसरे की तलाश में पुलिस पहुंची राजस्थान। बीते चार साल से लापता किशोरी को पुलिस ने किया बरामद। दूसरी किशोरी का पता लगाने राजस्थान पहुंची रीवा पुलिस। जिले में किशोरियों को अगवा कर दूसरे शहर में उनका सौदा करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने चार साल से लापता किशोरी को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया, जबकि दूसरे की तलाश में राजस्थान रवाना हो गई। मऊगंज पुलिस ने लड़की को बेचने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूछताछ में घुरेटा निवासी आरोपी महिला सीता साकेत ने न सिर्फ जुर्म कबूल किया बल्कि कई सनसनीखेज खुलासे भी किए, जिस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उसने बताया, घटना के दिन पीड़िता को झांसा देकर बाजार ले गई थी। वहां से गुलशेर के साथ दमोह भिजवा दिया, जहां उसने पीड़िता को दमोह निवासी विक्रम अहिरवार के हाथों 70,000 में बेच दी। इस राशि में 15,000 रुपए बतौर कमीशन महिला को मिले थे, शेष राशि कुलशेर ने रख ली। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी महिला का पति भी सहयोगी था। पुलिस ने फिलहाल महिला को न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जो अभी फरार बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी श्वेता मोर ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। जांच में दो तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारी पूरी नजर उस दूसरी लड़की पर है, जिसकी सूचना हमें राजस्थान में होने की मिली है। हमारी एक विशेष टीम इस समय राजस्थान में है, लड़की को खोज रही है। हम शीघ्र ही दूसरी लड़की को भी बरामद करने में सफलता पा लेंगे। माना जा सकता है काफी अरसे बाद पुलिस ने जिस तरीके से इस इलाके में लड़कियों को अगवा करके बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, अपने आप में काफी बड़ी बात। जिस तरीके से दो लड़कियां गायब हुई, वो काफी चौंकाने वाला था। ना कहीं आती थी ना कहीं जाती। जब पुलिस ने खुलासा किया तो पड़ोसी महिला, जिसको लड़की चाची बोलती थी, उसी ने उसको फुल्की खिलाई, चाट खिलाई, उसके बाद पानी पिलाया, पानी में कुछ नशीले पदार्थ मिलाए, जिसकी वजह से लड़की बेहोश हो गई। ये थाना मऊगंज क्षेत्र का वर्ष 2018 में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से निकली थी, जो कि शाम तक वापस नहीं आई। दो तीन दिन तलाश करने के बाद में जब नहीं मिली तो ये थाने में रिपोर्ट करने आई थी, और थाने में रिपोर्ट बंदीबस्त कर इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी। तो लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में साइबर सेल की मदद से और विश्वसनीय मुखबिर सूचना तंत्र को लगाया गया, तब जानकारी मिली कि ये बिटिया है जो मिल गई है। और मिलने के बाद में जब मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट लिया और न्यायालय में उसके कथन कराए गए, तब उसने पूरी घटना बताई कि वो करीबन 4-5 साल पहले शाम को घर पे अकेली थी। तब उसके ही घर की रहने वाली घर के पास में रहने वाली चाची, जिसका वो उसके घर आई और बोली कि मार्केट चल रहा है, मार्केट चलने का बोलते उसको मोहन बाजार लेके आई और सामान वामान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसने ये बताया कि मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ। फिर जब वो उसको होश आया और उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है और वहाँ पे एक आदमी है, और उस आदमी से जब वो रोकर पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लेके आया, तब उसने ये बताया कि तुम्हारे चाची और गांव का रहने वाला गुलशेर जो है, उसने तुमको मुझे 70,000 रुपये में बेच दिया है। और फिर उसने बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबन एक वर्ष तक वो उसके पास में रही। उसी दौरान वो उसको मारता पीटता और उसका शारीरिक रूप से शोषण करता था।
तो काफी परेशान और हताश होकर उसने एक वर्ष का समय उसके साथ में व्यतीत किया। और जब उसको ये जानकारी मिली कि वो आदमी जो वहाँ रहता था उसका नाम उसने विक्रम साकेत बताया, जो दमोह जिले से बिलोंग करता है, तो वो मौका देखकर वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग गई। और वहीं दमोह जिले के ही दूसरे गांव में वो जीवन यापन करने लगी, मजदूरी करने लगी। और उसको एक लड़का मिला ओमकार पटेल नाम है जिसका, तो उसको उसने पूरी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाने के बाद में उसने उसका काफ़ी मदद किया और उसके घर का पता लगा कर कि वो कहाँ की है, कैसी है, पूरी जानकारी निकालने के बाद में फिर उसको पहुँचाया। और पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो हमने एक विशेष टीम बनाकर उसको दस्तियाब किया और उसका एक आरोपी, इसमें महिला आरोपिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और शेष जो आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किया।